हेलो दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे दूर तथा निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं तथा इनसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी बहुत आसान रहते हैं, 2 नंबर में तथा 4 नंबर में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला। नहीं तो देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या। पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक तरफ दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा रहता है उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ रहता है उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। अब निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं इसमें, और दूर करने के लिए इसको निवारण निवारण इसमें दूर दृष्टि दोष से स्कोर हुआ रहता है उसमें उत्तल लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ रहता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया निवारण, लेकिन होते क्यों हैं? कारण किस वजह से होता है दूरदृष्टि दोष? इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है, और इसमें रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। यह तो रेटिना के पीछे क्यों बनता है इसमें दूरदृष्टि दोष में? क्योंकि जो आँख की वक्रता त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है, तो आँख की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु गया, यहाँ से टकराई और ये रेटिना के पीछे बन गया, तो इसी के लिए हम लोग लगा देते हैं। अब जैसे इसी को, ये तो दूरदृष्टि दोष हो गया क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनना चाहिए, बन रहा है यहाँ पीछे। अब इसको दूर करने के लिए अब इस वाले में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिससे प्रतिबिंब का होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। तो चलिए एक मानव नेत्र बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस रहता है वो है। अब इसमें क्या होता है कि ये वक्रता त्रिज्या नेत्र का बढ़ जाता है जिससे कोई वस्तु अनंत से आ रही है, किसी वस्तु का अनंत दूरी से उसका प्रकाश है। अब ये रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, तो भी प्रॉब्लम है। अब इसको दूर करने के लिए अब इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे ये प्रतिबिंब यहाँ पर जो बन रहा है वो यहाँ पर बने। तो चलिए इसमें हम प्रतिबिंब लगा दे रहे हैं, सॉरी लेंस। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये मानव लेंस है, आँख का लेंस उत्तल है। मान लीजिए यहाँ पर दूरदृष्टि है उसका निवारण कर रहे हैं, इसमें दूरदृष्टि में क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तल लेंस यहाँ पर लिखा गया है कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस लगा दिए। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका प्रकाशिक रेखा यहाँ पर है और यहाँ से टकरा कर फिर इसमें आ गया,
और इसमें इधर आगे, और ये सीधे टकरा कर यहाँ से फिर क्या करेगा, सिकुड़ेगा प्रकाश, सिकुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पर, अब ये रेटिना पर बनेगा। वस्तु, और यहाँ पर भी ये वस्तु है, और इधर कोई वस्तु है दूर की वस्तु, ये तो दूर दृष्टि दोष का निकल रखे, दूर दृष्टि दोष का निवारण। अब निकट दृष्टि दोष में देख ले रहे हैं, यहाँ पर रेटिना है, अब यहीं पर निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए एक मानव नेत्र बना दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए मानव नेत्र हो गए। अब इसमें निकट दृष्टि दोष ये हुआ है, अब इसको दूर करना है हमको, तो इसमें को दूर करने के लिए इसमें अवतल लेंस लगा देते हैं, क्योंकि अवतल लेंस का प्रकृति जो होता है वो किरणों को फैलाने का काम करती है, प्रकाश किरणों को फैला देगी, तो जो यहाँ पर आ रहा था यहीं पहले ही मुड़ जा रहे हैं प्रकाश किरण, तो इसको फैलाकर एकदम रेटिना पर लाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मान लीजिए कोई अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, और इधर भी अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, ये दो प्रकाश किरणें हैं किसी वस्तु का, अनंत से आ रहे हैं, जैसे ही लेंस से टकराएंगे और लेंस का करेगा इसको थोड़ा फैला देगा इस तरह से, ये फैला दे। अब नेत्र लेंस से जब प्रकाश किरण टकराएंगे तो ये क्या करेगा, इसको सिकोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ देगा, जिससे प्रतिबिंब कहाँ पर बने, रेटिना पर, यह रेटिना हो गया, ये निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण हो गए, नेत्र लेंस हो गए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष होते क्या हैं, तथा इनके निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिक सवाल आते हैं, उसको देख लेते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, अच्छे कैसे रहते हैं 2 नंबर 4 नंबर में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो देखिए कह रहा है 20 निकट दृष्टि दोष है, तो बताया गया था निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती हैं, तो इसको निकट बस सिर्फ यानी 20 सेंटीमीटर का एक क्लियर देख ले रहा है प्रतिबिंब, यानी भी इसको टू कर रहा है 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु जो है तो अगर इसमें हम बना दे रहे हैं अवतल लेंस, एस एस में किधर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या और भी यू सब इसी साइड रहेगा, तो ये सब माइनस में रहेंगे, तो भी माइनस हो गए, लेकिन ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर उसको रख दिया जाए वस्तु को, यानी यू बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर वस्तु को रख दिया जाए, तो उसको देखने के लिए वो चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेगा। ये सवाल आए हैं 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में, यानी हमसे भी एफ पूछा है, एफ का वैल्यू क्या हुआ। अब चूँकि हम लोग के पास फार्मूला होता है लेंस का, 1/f = 1/v - 1/u, यूज कर दें, सब वैल्यू रख दें यहीं पर, तो 1/f = बाय फार्मूला 1/v, वी का मान दिया है कितना -20 माइनस, और यू का मान दिया है 1/-25, ये रख दे रहे हैं। एलसीएम ले लें, ये माइनस ऊपर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले हम एलसीएम ले ले रहे हैं इसका, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया, 20 का डिवाइड इसमें 100 में करें, 20 5 100, 5 बार में जाएंगे, 5 यहाँ पर लिख दें
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 25 चौका 100, 4 ही हो गए यानी -1/100। चलिए 1/f = a आ गया, तो 1/f = -1/100। ए सीधे लिख दें, एफ का सॉरी 100 को मल्टीप्लाई 1 में कर दें और एफ का मल्टीप्लाई -1 में, तो f = आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। एफ का तो ये मान आ गया, ये पहला क्वेश्चन। और इसके निवारण के लिए कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर। ए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति आँख से 5 मीटर दूर तक की वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसे इससे अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो बताइए कि उसकी आँख में कौन सा दोष है। बहुत दूर स्थित तो वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा कह रहा है 5 मीटर की दूर तक की वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है, यानी 5 मीटर भी बराबर दे रहा है कितना 5 मीटर, लेकिन इससे अधिक रख दिया जा रहा है दूर का वस्तु, तो वो दूर का नहीं देख पाता है। यानी यू बराबर क्या कर दे रहा है, इनफाइनाइट अनंत के वस्तु वो नहीं देख पा रहा है, 5 सेंटीमीटर का तो देख ले रहा है। अब देखें निकट का देख ले रहा है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष, लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इस स्थिति में उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि निकट का देख पा रहा है और दूर का नहीं देख पा रहा है, तो यह निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, यहाँ पर दिया भी गया है पहले सवाल में था, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका फोकस दूरी हम निकाल ले रहे हैं बाई फार्मूला, इससे 1/f = 1/v - 1/u। एफ का मान फाइंड करना है, 1/f = 1/v का मान दिया है -5, -1/-∞ अनंत की वस्तु नहीं देख पा रहा है, उसे दूर रखा जा रहा है, तो दूर कोई भी बिंदु ले सकते हैं। चलिए 1/f = -1/5 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा आगे, तो 0 से मतलब नहीं, 5 का गुणा इधर कर दें, एफ का गुणा इधर, तो f = हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। यानी उसके लेंस में, चश्मे में जो लेंस प्रयोग किया जाएगा, उस लेंस का फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस यूज किया जाएगा। यह आगे सवाल है, इस सवाल में कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूर तक की ही वस्तु देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, गणना कीजिए। स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यह कह रहा दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, तो उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देता है और निकट की नहीं दिखाई देता है, तो निकट का नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं, सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष में ये प्रयुक्त करते हैं। चलिए लेकिन कर रहा है 125 सेंटीमीटर का वो देख पा रहा है, यानी दूर की तो वस्तु देख पर है, 125 सेंटीमीटर भी का मान दिया है, लेकिन निकट का देखना होगा, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र का न्यूनतम जो स्पष्ट दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो u बराबर 25 सेंटीमीटर, इतना दूर की वस्तु को वो नहीं देख पा रहा है या इससे कम की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। तो बोला गया कि उसके चश्मे में किस फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा,
यह लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह हमसे पूछ रहा है एफ का मान, सॉरी। अब फार्मूला हम लगा दे रहे हैं, वन अपॉन एफ इजकल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, सबका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो वन अपॉन एफ इजकल टू माइनस वन अपॉन 125 माइनस वन अपॉन माइनस 25, ये हो जाएगा। तो एक बटे 125 प्लस एक बटे 25। अब इसका एलसीएम हम लें तो कितना आ जाए, 125। 125 का 125 में डिवाइड करेंगे तो वन बार में कटेगा, वन का मल्टीप्लाई वन में कर दें, वन आ जाएगा, ए प्लस है, प्लस कर दें। 25 का डिवाइड 125 में करेंगे तो पांच बार में कटेगा, पांच यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी वन अपन एफ इजकल टू ए आ जाएगा हमारा, एक घटा दें तो चार बटे 125 आ जाए, यानी एफ इजकल टू 125 बटे चार। ये काटेंगे तो हमको मिलेगा बराबर 31.25 सेंटीमीटर, ये एफ का मान आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति को 31.25 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा उसके चश्मे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है, यानी 50 सेंटीमीटर से अधिक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष वाला, यानी इसमें भी दूरदृष्टि दोष है, चलिए दूरदृष्टि दोष है, तो उसके लिए हमको अच्छा होगा पहचानने में कि उसके चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त किया जाएगा वो उत्तल लेंस होगा। अब वो भी का मान जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखे वस्तुओं को ही देख पाता है, ठीक। तो उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके, यानी यू का मान दिया है कि 25 सेंटीमीटर पर कोई पुस्तक रखकर पढ़ रहा है, तो उसके पढ़ने के लिए उसको अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा तथा उसकी फोकस दूरी और क्षमता कितनी होगी। तो ये एफ का भी मान पूछा है और पी का भी मान पूछा है, तो सीधे हम रख दे रहे हैं वन अपन एफ इजकल टू फार्मूले से वन अपन वी माइनस वन अपन यू, रखते चल रहे हैं वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस 50 माइनस एक बटे माइनस 25। तो वन अपन एफ इजकल टू एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और माइनस एक प्लस दो, यानी माइनस सॉरी एक बटे 50। तो एफ इजकल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी उसके चश्मे में जो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो 50 सेंटीमीटर। अब क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो पी इजकल टू जो होता है वन अपन एफ, ये भी जो होता है वो मीटर में होता है, तो चलिए कर दे रहे हैं। तो यहाँ से पी इजकल टू आ जाएगा वन बाई एफ, और इसको एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मीटर में चेंज कर दें तो 0.5 मीटर ये आ जाएगा, तो ये 0.5 मीटर कर दे रहे हैं। तो ये को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दो डायोप्टर, यानी लेंस की जो क्षमता होगी वो दो डायोप्टर होगी, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। अब दिया निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो दूर की वस्तुएं ना दिखाई दे उसके लिए उसमें उसके लेंस में चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है
वो अवतल लेंस रहते हैं, ये अवतल लेंस है। और भी कमांड दिया है कि भी इक्वल टू 50 मीटर तक वो देख पाता है, लेकिन उससे दूर के वस्तु जो रखा जा रहा है उसको नहीं स्पष्ट देख पाता है। तो यू बराबर इन्फाइनाइट रख दे रहे हैं माइनस ए मीटर में, और एफ का मान पूछा है कि एफ इजिकल टू क्या, और पी का भी मान पूछा है। यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे हैं हम समीकरण में, तो हो जाएगा 1/f = 1/v। वी का मान दिया माइनस 50 मीटर, सॉरी मीटर को हटा दे रहे हैं, माइनस 1/-∞। ये हल करेंगे तो 1/f = -1/50 प्लस 0 ये हो जाएगा 50, गुणा इधर कर दे तो f बराबर आ जाएगा माइनस 50 मीटर, यानी जो लेंस के फोकल दो। लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 50 मीटर होगी। अब क्षमता पूछा है तो पी का मान पूछा है, तो पी इजकल टू क्या होता है 1/f, वो भी मीटर में होता है, तो ये मीटर में ही हमारा आंसर आया तो रख देंगे, इतना डायोप्टर होता है। तो पी इजकल टू 1/-50 डायोप्टर, ये कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। पी इजकल टू 0.02 डायोप्टर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? ये दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितने क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो चलिए ये क्या करें कि 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी भी कमान दिया है कि 40 सेंटीमीटर तक तो वो देख पा रहा है, लेकिन इससे कम दूरी का नहीं देख पा रहा है। यानी यू कमान का रख दें न्यूनतम दूरी, जो नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो उसको दूरदृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि निकट का दृश्य नहीं देख पा रहा है, दूर का वस्तु देख पा रहा है, तो उसको दूरदृष्टि दोष हुआ। और एफ का मान पूछा कि एफ का मान क्या होगा, तो चलिए और पी का भी मान पूछा है, तो 1/f = हम कर दे रहे हैं 1/v - 1/u, और इन सब का मान दिया है 1/-40 - 1/-25। एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेने पर आएगा 1/f = 200 हो जाएगा, 200 से काटें 4×5 = 20 - 5 आ जाएगा, ये प्लस रहेगा 25×8 = 200, 8 कर दे रहे हैं, तो ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा 3/200, यानी f = आएगा 200/3, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा f का मान। और p बराबर जो होएगा o, इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा 6.6 × 6.6 = 6 सेंटीमीटर आएगा। अब पी इजकल टू क्या होता है 1/f, ओ भी मीटर में, इसको अगर मीटर में चेंज करें हम तो इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी 1/2/3 ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 से हम डिवाइड कर दें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब 3 को ऊपर कर दें तो ये 3/2 हो जाएगा, तो P इजकल टू हो जाएगा 2/3 मीन्स 1.5 डायोप्टर लेंस का क्षमता हो जाएगा इसके। और इसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं,
कि दूर की वस्तुएं देख पा रहा है और निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा है। दूर का वस्तु देख ले रहा है तो इसको क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। और निवारण के लिए क्या करेगा दूर दृष्टि दोष में, क्या करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा जिसकी फोकल दूरी कितना होगी 6.6 से 6 सेंटीमीटर होगी। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।